हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वैसे बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम बताए हुए थे पिछले लेक्चर्स में, लेकिन शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चे कमेंट लिखे हुए हैं, हमको कॉल भी किए थे कि एक बार और बताने के लिए, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये दिस करेंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट कैरिंग कंडक्टर का ये डीएल एलिमेंट्री लेंथ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट आई इज पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री लेंथ, और पी पॉइंट है एट ए डिस्टेंस आर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अब यहां लिख देते हैं बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं आपको मालूम है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बी इज इक्वल टू, हमको पता होता है डीबी इज इक्वल टू, डीबी का मतलब एलिमेंट्री लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आप कर चुके हैं डेरिवेशन। तो नाउ दिस डीबी इज इक्वल टू, देखिए करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन आइडियल जो करंट एलिमेंट हम बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेने की कोशिश यदि कर रहे हैं हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो वेक्टर आइडियल ये वेक्टर फॉर्म हो गया आइडियल, इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे साइन थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर है, ओके दिस आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। सॉरी ये भी अभी स्केलर में ही है। अभी देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डीबी इक्वल टू, अभी आप इसी को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। हम वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से, और इसे हम डिवाइड कर दें, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड ये क्या बता रहा है, इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा पी से डीएल के लेंथ को। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर, देन दैट विल बी डीबी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए बी साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन आर क्यू। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन आई डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सपोज दिस आइडियल है और ये आर है, आइडियल और आर दोनों ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, तो आइडियल क्रॉस आर क्या होगा, पर ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उसका डायरेक्शन आप जानते हैं थंब रूल से, हम फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ये करेंट है तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर दैट विल बी इनवर्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्लेन के ब्लैक बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड या परपेंडिकुलर है। इसको एक और आप लिख सकते हैं, थोड़ा यूनिट फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, दिस डीबी इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर आर कोई भी वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस पूरे को हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं दिस आर स्क्वायर। तो दिस डी बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे ढंग से भी हम इसको बता सकते हैं। बस इतना ही है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट,
एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ का हम यूज करके, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले हुए हैं इनसाइड सोलेनोइड। अब बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे इनसाइड सोलेनोइड। बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके हम निकालना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड। तो आप लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसमें एक न्यूमेरिकल्स है एडिशनल में, वहां पर निकालने के लिए कह रहा है यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड निकाल रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई सोलेनोइड है, सपोज दिस सोलेनोइड, और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसमें बहुत सारे क्वाइल्स हैं, ये आपको मालूम होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वाइल्स लपेटे हुए हैं, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, ये बहुत सारे क्वाइल्स इसमें लपेटे हुए हैं। तो सपोज हम कोई भी एक क्वाइल ले लेते हैं, एलिमेंट्री क्वाइल, कोई हम एक एलिमेंट्री क्वाइल ले लिए जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ थिकनेस dx है, इसका थिकनेस dx है, और यहां से P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है इफ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल n है, Then the total number of turns in length dx कितना हो जाएगा भाई, n dx हो गया, this is the total number of turns in length dx। Now current कितना होगा, यदि एक टर्न से करंट I पास कर रहा है तो n dx टर्न से टोटल करंट, या आप लिख सकते हैं Hence, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I, देखिए म्यू नॉट अपॉन टू Ni R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर by 3/2। ये डेरिवेशन हम कराए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग में हमने बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग में, ये डेरिवेशन हमने कराया हुआ है। इसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये तो केवल ये जो यहां पर एलिमेंट्री रिंग है, यहां पर ये जो क्वाइल है बहुत सारे एलिमेंट्री रिंग को से मिलकर के बना हुआ है सोलेनोइड। ये जो सोलेनोइड आप देख रहे हैं बहुत सारा एलिमेंट्री रिंग मिल के ऐसे बना हुआ है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन टू, कैपिटल एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एन डी एक्स आई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर / 3/2। अब मान लीजिए आप लेट इसको सॉल्व करना है, हेंस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज डीबी
इज इक्वल टू, देखो जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपान, आप ऊपर देखिए जगह नहीं है, दिख नहीं रहा है, ये आ गया था आपका db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट अपॉन टू कैपिटल n के जगह पर n dx i, रेडियस क्या है r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये केवल एलिमेंट्री लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसी टर्म को हम इंटीग्रेट कर दिए, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, तो इसका मतलब ये dB का इंटीग्रेशन, b जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन टू, स्मॉल n को बाहर लीजिए, i को बाहर लीजिए, r स्क्वायर को बाहर लीजिए, अंदर क्या बचा dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो गया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर दिस वन। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप मान लीजिए लेट ये जो आप लिए हुए हैं पोर्शन एलिमेंट्री लेंथ जो लिए हुए हैं लेंथ जिसका कि डी एक्स है, ये मान लीजिए यहां से थीटा एंगल पर लिया हुआ है और ये रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज कैपिटल आर, और ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है ये डी थीटा है, ये डी थीटा है, तो हम टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लेट टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आर बाई एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू देन एक्स इज इक्वल टू आर कॉट थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा को क्या लिखेंगे, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर कॉट थीटा को माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आप लिखते हैं, अब ये वैल्यू वहां पुट अप कर दीजिए, हेंस b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू, डी एक्स जहाँ पर आप लिखिए माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स के जहाँ पर ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, ये आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, ये हो गया। अब देखिए इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं, वैल्यू क्या होगी भाई, म्यू नॉट अपान म्यू नॉट एन आई अपान आर स्क्वायर अपान टू, ये आर है ये भी आर बाहर आ गया तो आर क्यूब हो गया, ये आर क्यूब हो गया, ये देखिए ये आर स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे कॉमन ले लेंगे और उसका रूट हाफ का मतलब रूट कर देंगे, तो आर स्क्वायर का रूट आर हो गया फिर पावर थ्री कर देंगे तो ये भी आर क्यूब हो गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहां पर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, ये हुआ इंटीग्रेशन यही बचा, तो नाउ हेंस इसको हम लिख सकते हैं आगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू, माइनस साइन दिया है यहां माइनस साइन दिया है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया तो म्यू नॉट एन आई बाई टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा
और फिर 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो कोसेक क्यूब थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, हमने पावर रख दिया तो एक कॉट कोसेक क्यूब थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर उसका रूट करेंगे तो कोसेक थीटा फिर पावर क्यूब हो जाएगी। तो दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई माइनस साइन भी है, ये भी ध्यान रखिए, म्यू नॉट एन आई बाई टू, 1 अपन कोसेक थीटा को आप साइन थीटा लिखेंगे, 1 अपन कोसेक थीटा ही बचेगा डी थीटा। तो नाउ व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई बाय टू, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, शुरू में मान लीजिए थीटा वन क्या है, जीरो है, यहां से लेके इसको यहां तक इंटीग्रेट किए हुए हैं, थीटा वन टू थीटा टू, इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक, थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू तक हम इसको इंटीग्रेट किए, थीटा वन टू थीटा टू, तो थीटा वन से थीटा टू, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय टू। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो चुका है, सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए हुए, मान लीजिए इसको यहां से लेके हम यहां तक इंटीग्रेट किए हुए, तो इस थीटा इज इक्वल टू फॉर फॉर इनफाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये थीटा है थीटा वन, ये इनफाइनाइट जब हम लेंगे तो थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, और थीटा टू की वैल्यू इसको इधर से हम लीजिए, तो थीटा वन यहां से लीजिए, यहां से लेके यहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा वन इज इक्वल टू यहां लीजिए, इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करिए, तो थीटा वन इज इक्वल टू पाई, एंड इसको थीटा वन यहां से लेके यहां तक, तो थीटा वन पाई हो गया, और यहां पर जब चले जाएंगे तो थीटा टू, एंड थीटा टू इज इक्वल टू जीरो, तो हेंस बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा टू का मतलब कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, फिर इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सॉलिड वायर। अब नाउ एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, यदि ये हमको निकालना होगा कि एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड क्या होगा, एट द सेंटर ये होगा, एट द सेंटर ये जो पॉइंट पी कहां है, सेंटर पे। नाउ एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड बी पार्ट at the end of the at the end of the solenoid यदि यही पॉइंट हमारा यहां पर आ जाए तो थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यदि ये पॉइंट हमारा इस एंड पर आ जाए तो थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा टू, थीटा टू तो जीरो रहेगा ही इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, पी पॉइंट यहाँ आने के बाद जैसे ही पी पॉइंट यहाँ पर आ गया तो थीटा वन क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको हम रिंग को यहाँ पर लेते हुए चले आए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और थीटा टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगा, हेंस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू, थीटा वन के जगह पर कॉस 90 डिग्री लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस
थीटा टू पाई ना, यहाँ से इधर इस साइड में थीटा टू पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस पाई। तो बी इज इक्वल टू एंड पर कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई बाई टू ये जीरो और माइनस माइनस वन ये प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू ये हो गया एंड पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई टू। ओके ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप।